गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो मैं हूँ मरियम, जो मैं पहले वीडियो बनाती होती थी। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम लोगों को स्माइल शॉट कैसे बनाना है। आप लोगों को पता होगा कि अब स्कूल तो खुल चुके हैं, हम स्कूल में बिग तो नहीं लेके जा सकते सोप, तो मैं आप लोगों की चीज़ें बता देती हूँ। पहले हमें ले लेना है वाटर, टू सोप्स, जो साल को अगर अच्छा लगता है वन का भी बना सकते हैं, और कोई भी आपने खाली डब्बी ले लेनी। मैंने क्रीम के लिए है तो आपने एक खाली बाउल ले लेना, और एक पीलर, सब कुछ घर में होता ही है, गन्नों तो आप नाइफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे ये चाहिए, आप इसके बैक साइड से इसको काटें। अगर जिससे इससे ना हो तो नाइफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं नाइफ का इस्तेमाल करूँगी। ये मेरे पास नाइफ घर किसी के घर में होती है, तो मैं इसके ज़रिए इस तरह काट करें, या जिस तरह भी आपसे हो। मतलब आपने इसको कद्दूकश की शेप में, मतलब कट करना, जिस तरह आप कद्दूकश करें आप उसको कद्दूकश भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अपनी किचन के कामों में हूँ। ठीक है, तो ये ले लें अच्छे से। तो ये मैंने अब ये साबुन ले लिया है, तो अब हम इस सोप को कट करते हैं। जिस तरह भी आपसे कटे आप उस तरह ही इसको काट दें। सॉरी, तो अब इसको आपने अच्छे से काट लेना है। तो अभी मैंने इसको थोड़ा सा काटा है, तो मैं इसके स्मॉल पीसेस काट लेती हूँ। मैंने इसके स्मॉल पीसेस भी कर लिए हैं, अब इसके कर लेती हूँ। देखिए जब साबुन रेडी हो जाए तो ये बहुत प्यारा लगे। तो मैं आप मेरी वीडियो को तकरीबन 7000 लाइक्स करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि हर किसी बंदे को मेरी इस वीडियो का फ़ायदा हो, हर किसी बच्चे को मेरी वीडियो का फ़ायदा हो। तो जो ऑफिस जाते हैं उनको भी, तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। एक मिनट है, मेरी वीडियो भी ख़त्म नहीं हुई, अभी तो हमें सब को पूरा रेडी करना है। तो अब हमने इसके स्मॉल पीसेस में इसको कन्वर्ट करना है, प्यारे इसको हमने स्मॉल पीसेस में ले लेना है। ये इसके स्मॉल पीसेस हमने कर लिए हैं। तो अभी हम रेड थोड़ा सा और लेंगे, तो अभी इसको हमने काट लेना है अच्छे से। अब मैंने अपने सॉस को अच्छे से काट लिया है, अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी,
हमें मतलब इस बाउल को अच्छे से फुल कर लेना है। अगर आपको और सोप की ज़रूरत हो तो आप चाहें कि ज़्यादा सारा सोप हमारा बन जाए तो हमें इसमें ज़्यादा सारा सोप डालना है। अब हम इसको ज़मीन मतलब शेल्फ पर ही कट करेंगे क्योंकि वाटर में से धोने से खा सकते, तो इसमें हमने अब इसको कट कर लेना है अच्छे से। तो अब मैंने इसको डाल दिया है अंदर, तो अब रेड थोड़ा सा और रेड बहुत सख्त है, इसको हमें आपको भी कष्ट करानी ले लेना है। अब हमने इसको सही से मिक्स कर लेना है तो ताकि हमारा प्यारा बन जाए। आपको आलू और टमाटर लग रहे होंगे, तो आपने और इसके साथ क्या लेना है, कोई भी खाली डिब्बी ले लेनी है, मैंने एक ड्रिंक ली है, उसको हमें अंदर से अच्छे से वॉश कर लेना है। तो अब मैं थोड़ा सा रेड सॉप मोड़ लूँगी क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरा सो बहुत ज़्यादा बने और प्यारा बने, शाइन करे जैसे मेरा सोप शाइन कर रहा है। तो अब हमने इसको इसके अंदर डाला है, आप कहेंगे पागल है जिसने पहले इसमें डाला है, तो मैंने खुद इसको इसमें डाला है ताकि ये अपनी शेप तैयार कर ले, मतलब ये सही से मिक्स हो जाए क्योंकि इसमें सही मिक्स नहीं हो पाएगा। तो अब मैं ध्यान से इसको इसके अंदर डाल लेती हूँ। प्रॉब्लम मुझे इसके लिए स्पून चाहिए, तो मैं आई हूँ आपके साथ एक स्पून। तो अब हमने इसके जरिए सोप को डालना है अंदर और पानी को निकालना है बाहर। देखिए एक्स्ट्रा वाटर हमारे सोप को मतलब सही से अंदर नहीं जाने देगा। मैं इसको से बाहर निकाल लेती हूँ। तो अब हमने जो पानी निकाला है उसकी जगह हमने अपने सोप को अंदर जाने की स्पेस दे देनी है, हमारा सोप खुला हो के अंदर जाए। इसको अच्छे से अंदर डाल दे। हमने सोप क्यूब्स एंड वाटर टू ऐड दिस सोप, तो ये पूरा फुल हो गया। डोंट वरी, हम इसको ड्रम से बाहर निकाल देंगे, नो प्रॉब्लम। तो अब मैंने इसको डाल दिया, अब इसमें मैं थोड़ा सा वाटर मूव करूँगी। तो अब मेरा रेडी हो चुका है, इसके बाद आप लोगों ने इसको रखना है। अगर आप रात को सोप को ट्राई करें तो ये आपने इसको सुबह तक फ्रीज़र में रखना है, तो ये रेडी हो जाएगा। बाय गाइस।